अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में फिर हम प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी एक्सटेंशंस हैं क्रोम की जो कि मैं बताऊंगा आपको, जिनके ज़रिए आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं या जो आपको ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैंने ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट्स पे जो है वीडियो बनाई हुई हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग में यूज़ होती हैं, जैसा कि ये वीडियो है और ये वीडियो है। इनमें डिफरेंट मैंने स्ट्रेटजी बताई हुई है कि आप किस तरह जो है अपना विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। तो आज की वीडियो में एक्सटेंशंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी क्रोम की एक्सटेंशंस हैं, कुछ मैं यूज़ करता हूँ और कुछ आपके लिए मैं रिसर्च करके लाया हूँ कि वो एक्सटेंशन जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च में, ताकि इजीली आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर लें अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो पे न्यू है तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, अगर पहले से नहीं किया हुआ तो। सबसे पहले हमारी जो एक्सटेंशन है वो है फेसबुक से रिलेटेड, फेसबुक ऐड से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल जो है वो ओपन की हुई है फेसबुक की, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो एक्सटेंशन का नाम है वो है ड्रॉप शिप एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपको क्रोम ब्राउज़र में मिल जाएगी इजीली। आप क्रोम ब्राउज़र में जब आएंगे, जब क्रोम वेब स्टोर पे आएंगे, तो यहाँ पे आपने सिंपली सर्च करना है ड्रॉप शिप कर दें या ड्रॉप शिपिंग कर दें, तो आपके सामने ये एक्सटेंशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही है। तो ये ड्रॉप शिप करके जो एक्सटेंशन है ये काम क्या करती है, ये बेसिकली आपके फेसबुक के साथ काम करती है जब आप इसे इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसे इनेबल करते हैं तो ये बेसिकली आपको आपके फेसबुक पे जस्ट एड्स दिखाती है। ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले लेती है, मैंने ऑलरेडी जो प्रोसेस ऐसे करवाया है थोड़ा टाइम इसने ले लिया था। अगर यहाँ पे मैं इसका प्रोसेस देखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसे थोड़ा प्रोसेस करवा लिया और आपको बताता हूँ कि ये किस तरह वर्क कर रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये प्रोसेस कर रही है और हमारे लिए कुछ एड्स निकाल रही है जो कि फेसबुक पे ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे कि ये अभी आ गया है, ये फेसबुक पे ऑलरेडी एड चल रहा है, इसने हमें निकाल के दिया है। ठीक है, इसी तरह मज़ीद और प्रोडक्ट्स के भी ऐड हमें ये निकाल के देती है। ठीक है, इस तरह हम देख सकते हैं कि अभी कौन कौन से प्रोडक्ट के एड्स लाइव हैं जो कि हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उनकी डिटेल निकाल कर और सेल कर सकते हैं। और इसकी डिटेल देखने के लिए हम जस्ट इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है, अभी देखिए मैंने ऑलरेडी दो ऐड जो हैं वो फाउंड किए थे, एक अभी इसने फाउंड किया। तो यहाँ पे मैं सेलेक्टेड ऐड पे क्लिक करके और देख सकता हूँ कौन कौन से ऐड जो हैं वो निकाल के दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक होस्टिंग का ऐड है, इसे इग्नोर करें, और यहाँ पे जो है इसे भी इग्नोर करें। हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है जिसका ऐड हमारे पास आया है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऐड निकाल के देता है, अगर आप इसे थोड़ा टाइम देते हैं फेसबुक पे तो ये डिफरेंट आपको एड्स निकाल देता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं, इसकी कितनी सेल्स आई है, या एड लाइब्रेरी पे जाके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी जो एक्सटेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एक्सटेंशन है उसका नाम है अली नीश करके, इसका नाम है। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया और ये सबसे ऊपर आ रही है। मैंने ऑलरेडी ये ऐड की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके भी कि ये क्या वर्क करती है। ये बेसिकली अली एक्सप्रेस की ऐप है, अली एक्सप्रेस की एक्सटेंशन है जो कि अली एक्सप्रेस के साथ वर्क करती है। यहाँ पे मैं अली एक्सप्रेस ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे ओपन करने के बाद ये देखते हैं कि अली एक्सप्रेस के साथ कैसे वर्क करती है या हम इससे क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अली एक्सप्रेस ओपन कर लिया है। आप किसी भी कंट्री में हैं आप वो सिलेक्ट कर लें, या जिस कंट्री में आप ड्रॉप शिप करना चाह रहे हैं आप वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अली एक्सप्रेस पे आ गया हूँ और कोई भी मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये वाला प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद आपने इसे प्रोडक्ट को लोड होने देना है। पहले जब ये प्रोडक्ट लोड हो जाए देन आपने क्या करना है कि आपने इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। तो ये एक्सटेंशन आपके लिए इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स, विश लिस्ट और इसकी प्राइस, एवरेज सेल वगैरह सब कुछ निकाल के दे देगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितनी सेल हो रही है, या फिर इसके ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, इसकी एवरेज जो प्राइस है वो कितनी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ या इसकी ड्रॉप शिप करता हूँ तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो इससे आप डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपको बताती है कि किन किन कंट्रीज़ में ये वर्क कर रही है, ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ग्राफ्स मिलता है, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। उसके बाद मूव ऑन करते हैं अपनी तीसरी एक्सटेंशन पे, जो कि मेरी बहुत फेवरेट एक्सटेंशन है और बहुत काम की एक्सटेंशन है। उसके बारे में अगर हम बात करें, उसका नाम है यहाँ पे शॉपिफाई हंट के नाम से। यहाँ पे शॉपिफाई
हंट के नाम से वो एक्सटेंशन है। यहाँ भी ये हमारे पास एक्सटेंशन है शॉपिफाई हंट के नाम से, ये वाली एक्सटेंशन आपने कर देनी है, अपने स्टोर में ऐड कर लेनी है। और ये काम क्या करती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली हमें डिफरेंट स्टोर्स का डाटा देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई रैंडम सा स्टोर जो है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं पाकिस्तान का एक स्टोर ओपन कर रहा हूँ, saman.pk, ठीक है, saman.pk ये पाकिस्तान का स्टोर है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली ये शॉपिफाई का ही स्टोर है। तो इसे मैंने ओपन किया और ये हमारी जो एक्सटेंशन है ये पूरा एनालाइज करती है स्टोर को। एनालाइज करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको डाटा दे देती है, ठीक है। ये हमारी दूसरी वाली ड्रॉप शिप करके जो एक्सटेंशन है उसका भी डाटा आ रहा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे शॉप हमारी है saman.pk, उसके बाद इसकी टोटल प्रोडक्ट्स कितनी हैं, टोटल प्रोडक्ट्स इसकी इतनी हैं। और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ इसके प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ भी हमें बता देती है कि स्टोर में जितनी भी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं उनमें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल हो रही हैं ज़्यादा। तो आपको अगर पता है कि कोई ड्रॉप शिप कर रहा है, कोई ऐसा स्टोर है जो कि ड्रॉप शिप कर रहा है, तो आप उसका डाटा यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है वो जो ज़्यादा सेल कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। अभी ये वाला प्रोडक्ट मैं आपको पीछे भी अली एक्सप्रेस पे दिखा रहा था और ये पाकिस्तान में भी सेल हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट सेल इनकी जो है वो 4 को आई है और आज जो डेट है वो भी 4 है, यानी कि आज इन प्रोडक्ट्स की सेल आ रही है, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स की सेल आई है तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लास्ट सेल कब आई है और इन्होंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऐड कब की है। तो डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। यहाँ पे अगर मैं एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ तो मज़ीद ये डाटा हमें दिखा देते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास प्रो वर्जन होना चाहिए, देन ही आप इसका डाटा देख सकते हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप अगर ये प्रोडक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके और डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने स्टोर पे ऐड कर सकते हैं। और मज़ीद अगर इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊँ तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इस एक्सटेंशन पे और यहाँ पे जाते हैं इस एक्सटेंशन की वेबसाइट पे, तो आपको डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं शॉपिफाई पे क्लिक करता हूँ, शॉपिफाई स्टोर पे, तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस कैटेगरी का स्टोर जो है वो देखना चाहते हैं या किस कैटेगरी का स्टोर आप फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज के स्टोर्स हमारे पास आ गए हैं। आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं जिस कैटेगरी में आपको स्टोर चाहिए, या आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट उसमें होने चाहिए, आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि किस कंट्री का स्टोर आप देखना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट जो है कंट्रीज़ के स्टोर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ अगर मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट यूनाइटेड स्टेट के मेरे पास यहाँ पे स्टोर आ जाएंगे और मैं यहाँ पे इन्हें एनालाइज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। और जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की, तो आपको ये स्टोर लाजमी देखने चाहिए कि कौन से ऐसे स्टोर हैं जिन पे सेल्स आ रही हैं या जो वर्क कर रहे हैं उस मार्केट में, ताकि आपको सही एनालाइज हो जाए कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।